नमस्कार दोस्तों, नौकरी जानकारी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग में निकलने वाली सीधी भर्ती 2020 के बारे में। यहां पर आपको पूरा डिटेल से इस वैकेंसीज के बारे में बताएंगे और ये भी बताने वाले कि कब तक आप इस वैकेंसीज के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरा डिटेल से जानने के लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं इस वैकेंसीज की हम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आप ये वैकेंसीज के अंदर फॉर्म आसानी से भर सकें। तो चलिए वीडियो, यहाँ पर दोस्तों हमने इस वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल से समझाने के लिए यहाँ पर आपके लिए पूरा हिंदी के अंदर समझाया है। यहाँ पर बात करें तो ये वैकेंसीज निकली है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या PWD के अंदर, यानी लोक निर्माण विभाग के अंदर 2020 के तहत आपके लिए ये वैकेंसीज निकली है। पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर आपके लिए यह वैकेंसीज रहने वाली है। आगे बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो कितने पदों पर ऊपर वैकेंसीज निकली है तो आपको बता दूँ कि टोटल 280 पदों पर आपके लिए ये वैकेंसीज निकली है। पे स्केल और ग्रेड पे के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस को यहाँ पे 4,984 रुपये और टेक्निकल या टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 3,542 सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो अप्रेंटिसशिप रूल है उन्हीं के अनुसार यहाँ पर आयु सीमा इस वैकेंसीज के अंदर रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी है गई है, किसी प्रकार की आपकी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अप्लाई माध्यम के बारे में बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से आपको यह फॉर्म भरना होगा। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो तमिलनाडु इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो तो www.tn.gov.in पर जाकर आप ऑफिशियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात कर लेते हैं फॉर्म स्टार्ट डेट की, तो 19 अक्टूबर 2020 से इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 15 नवंबर 2020 इस वैकेंसी में लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एक बार हम विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप PWD विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के आपको 110 पद ऊपर मिल रही है वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के 5 पद है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के यहाँ पे 5 पद है। 120 पद यहाँ पे टोटल मिल रहे हैं। मंथली इनकम मिलेगी आपको 4,984 एक साल के लिए आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग या पीरियड के वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी सेकंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर की 150 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 5 है। इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियर 5 पोस्ट है। टोटल 160 पद ऊपर वैकेंसी मिल रही है। मंथली इनकम के बारे में बात करें तो सैलरी मिलेगी आपको 3,542 रुपये एक साल के लिए यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको दे रखा है क्या क्या है हमने आपको पहले ही वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बता दिया है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रूल के अनुसार आपकी आयु सीमा रहने वाली है। अगर आप ऑफिशियल जानकारी अच्छी तरह विजिट करना चाहते हो तो PDF फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप एक बार इस वैकेंसीज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करिएगा, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।